हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब विस्तृत जानकारी। नेशनल हाईवे पर करतब दिखाना शुरू किया भारतीय वायुसेना ने। गडकरी के साथ सुपर हरक्यूलस की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। भारतीय वायुसेना आज राजस्थान के जालौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर करतब दिखाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी इस पल का गवाह बन रहे हैं। एयरफोर्स के मुताबिक राजस्थान के जालौर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन फील्ड लैंडिंग पर लैंडिंग प्रदर्शन के दौरान जगुआर और SU-30 MKI सहित लड़ाकू विमान उतरेंगे और उड़ान भरेंगे। राजस्थान के जालौर में प्रदेश के दौरान उतरने वाले पहले C-130J सुपर हरक्यूलस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। केंद्रीय मंत्री राजस्थान सिंह और नितिन गडकरी राजस्थान के बाड़मेर के गंधव भाकासर खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड ELF का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं। NH-925 भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया जाएगा। इससे पहले एक्सप्रेसवे पर हुई थी मॉक लैंडिंग। एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन स्थिति में विमान उतारने के वास्ते NH-925A के सट्टा गंधव खंड के 3 किलोमीटर के हिस्से पर इस आपातकालीन पट्टी का निर्माण किया है। इससे पहले अक्टूबर 2017 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू एवं परिवहन विमानों ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पर मॉक लैंडिंग की थी ताकि ये दिखाया जा सके कि ऐसे राजमार्गों का उपयोग वायुसेना के विमानों द्वारा आपात स्थिति में उतरने के लिए किया जा सकता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, जो कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत आता है, भारतमाला प्रोजेक्ट का है हिस्सा। ये पट्टी भारतमाला परियोजना के तहत गगरिया भकासर और सट्टा गंधव खंड के नव विकसित 2-लेन पेव्ड शोल्डर का हिस्सा है जिसकी कुल लंबाई 196.97 किलोमीटर है और इसकी लागत 765.52 करोड़ रुपए है। पेव्ड शोल्डर उस भाग को कहा जाता है जो राजमार्ग के उस हिस्से के पास हो जहां से वाहन नियमित रूप से गुजरते हैं। बयान में कहा गया कि यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाड़मेर और जालौर जिलों के गांवों के बीच संपर्क में सुधार करेगी। इसके पश्चिमी सीमा क्षेत्र में स्थित होने से भारतीय सेना को निगरानी करने में मदद के साथ साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय वायुसेना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल आपात स्थिति में विमान उतारने के लिए किया जाएगा। जाने इस लैंडिंग पट्टी की खासियतें। इस परियोजना में आपातकालीन लैंडिंग पट्टी के अलावा कुंदनपुरा, सिंघानिया और भाकासर गांव में वायुसेना भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार 3 हेलीपैड का निर्माण किया गया है जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सेना और सुरक्षा नेटवर्क के सुदृष्टिकरण का आधार होगा। ELF का निर्माण 19 महीने के अंदर पूरा किया गया है। इसका निर्माण कार्य जुलाई 2019 में शुरू किया गया था और जनवरी 2021 में ये संपन्न हो गया। IAF और NHAI की देखरेख में GHV इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।